नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, चरकम बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एक स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ना मेरा फोर्थ डे, मतलब जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, दैट वाज सैटरडे। सैटरडे संडे फिजियोथेरेपिस्ट मिला नहीं था, तो मंडे से शुरू किया। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिजियोथेरेपी हुआ। टुडे इज फोर्थ डे। अभी मैं जाऊंगी उनके पास, मेरा 7 बजे का अपॉइंटमेंट है। अभी कुछ लगभग 7:45 है, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने सुबह से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया, सुबह मेरा क्लास भी था। नॉर्मल ठीक है, उतना प्रॉब्लम अभी नहीं लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम तो है, पर डांस क्लास अगर करो ना, क्योंकि सिखाते हुए, सिखाने के लिए भी थोड़ा सा मूवमेंट तो हो रहा है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा वो बता रहा है, भाई मेरे इधर थोड़ा दर्द है, ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि 3 दिन हो गया, मेन जो मुझे लग रहा है, जो मेरा बर्निंग सेंसेशन था ना, वो काफ़ी कम हो गया। पर चलने में अभी भी मैं थोड़ा लिम करके चल रही हूँ, और डांस करने में तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। बट देखते हैं, अगर मतलब होपफुली ठीक हो जाएगा तो चलो। मेरा 7 बजे का अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली बहुत बारिश हो रहा है, तो एक बार ना मैं कंफर्म कर लूँ कि डॉक्टर है कि नहीं। हेलो, या हाँ मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली 7 बजे मुझे आना था ना, पर बहुत बारिश हो रहा है, मैं सोचा एक बार कंफर्म कर लूँ। आप हो ना? ओके ओके, या थैंक यू, आई एम कमिंग। ओके, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं इतना बारिश में अगर चले गए, पर एकदम नज़दीक है, एकदम पास है। तो चलिए, हो गया, आज फोर्थ डे है, तो उनको जाके मैं बोलूँगी कि थोड़ा वो ठीक हुआ, पर वो बाकी चीज़ें अभी भी है। पर एकदम नियर बाय है तो उतना टेंशन नहीं, बारिश में भी मैं जा सकती हूँ। पर मज़े की बात ये है कि मेरा पैर में क्या हो रहा है ना, अभी तक मैं भी नहीं देखा। मैं सोचा अभी मैं जाऊँगी ना, चलो आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ और मैं भी देखूँगी। बिकॉज ऐसे लेटे होता है ना, उधर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, यू कैन नॉट सी लाइक दिस। तो अभी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी और पहली बार मैं भी देखूंगी कि एक्चुअली मेरे पैर में क्या हो रहा है। ओके चलो। एक्चुअली वो बर्निंग सेंसेशन जो था ना, वो कम हो गया काफी, मतलब लगभग है ही नहीं बर्निंग सेंसेशन, पर अभी चलने में थोड़ा सा लग रहा है, मतलब इट्स नॉट हर्टिंग, पर थोड़ा सा जैसे लिम करके हल्का चलूं तो ठीक है, स्ट्रेट चलने में थोड़ा लग रहा है। आई थिंक वी आर ऑन करेक्ट, राइट? दैट विल बी फाइन। ओके, सो एग्जैक्टली ये जो हो रहा है, व्हाट इज दिस? सो दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड थिंग। सो दिस helps to deliver the medicine what I have applied, that Omnigel or the Volini, that penetrates your skin and enters your skin, and it gives you some good relief with the pain. Okay. And this ultrasound also helps to increase the localized blood supply of your particular structure, the muscle or the ligament. So it helps in increasing the treatment time. So it heals the things very fast if there is any injury or any muscle tear. Particular khali foot ke liye hota hai ki body mein jahan bhi is tarah ki damage ho, same treatment hota hai? Good question. So this can be used anywhere. Okay. So except few organs we have to avoid, like eyes, your internal, you know, lower abdomen area and those things. Okay.
वाइब्रेशन जैसा होगा, जैसे स्टार्ट होगा तो प्लीज बताइएगा, उसके बाद में मैं धीरे से पढ़ाऊंगा। ओके स्टार्ट हुआ? हाँ अभी और पढ़ाना है। जो भी इसमें मसल स्पैज्म होता है, गिव्स अ गुड रिलीफ इन दैट मसल स्पैज्म। और इसको एज अ पेन किलर भी यूज करते हैं हम लोग, सो इट वर्क्स ऑन योर स्पाइनल कॉर्ड लेवल। तो जो काम आपका पेन किलर करता है, इट जस्ट ब्लॉक्स द पेन, सो दिस ऑल्सो जस्ट ब्लॉक्स योर पेन। सो विद दिस पेंस योर नर्व्स विल गेट स्टिम्युलेटेड एंड देयर विल बी सम सब्सटेंस विच विल रिलीज इन योर स्पाइनल कॉर्ड एंड दे विल जस्ट कवर योर पेन और दे विल जस्ट ब्लॉक द पेन। सो यू विल गेट अ गुड रिलीफ विद दिस। So this tense is very useful in muscular pain, जो कभी कभी होता है ना सोते टाइम पे गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कट जाती है, so this is very good in that। और इसको हम लोग knee pain, back pain, shoulder pain इन सब में use कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये क्या मशीन है? सो दिस मशीन इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन मशीन। तो ये लंबार ट्रैक्शन जो आपके बैक पेन रहता है उसके लिए और नेक पेन के लिए यूज होता है, पर आजकल इसको आउटडेटेड बोलते हैं, नोबडी यूजेस दिस। पर आजकल आप जैसे बोल रहे हो इसका यूज नहीं होता है, तो फिर किस तरह से होता है? एक्चुअली इसको आजकल हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, दैट इज लाइक कंटीन्यूअस ट्रैक्शन, that is like continuous bedside traction। तो आपको it's like a treatment से ज़्यादा मुझे ये torture लगता है कि आपके एक chest पे पट्टा बांध दिया, एक आपका lower back में, फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा string लगा के आपके bedside नीचे की तरफ उसमें weights डाल देते हैं, like sandbag or water or some weights। तो आपको like 22 hours दिन का पूरा ऐसा बंद के रहना है, तो that is like a torture। And nowadays many surgeons they are not using it, they are avoiding it totally। Okay. So instead of that they will go for this kind of traction or directly they will do the surgery। So that's it। Okay. Thank you। Welcome। देखिए मैं इस तरह से रख के लिविंग रूम में ये टॉवल है उसके ऊपर ये रख के मैं ऐसे करके आइस पैक ले लेती हूँ। पहले जैसे वो आइस बैग मिलता था उसमें अदर बर्फ रखो या फिर फ्रिज से बर्फ निकाल के कपड़े में बांध के, मतलब बहुत झंझट होता था। आजकल तो ये सब बहुत अच्छा मिलता है, तो कोई टेंशन नहीं है। और डॉक्टर ने कहा मुझे कि एटलीस्ट दो बार दिन में 10 से 15 मिनट ऐसे आइस पैक लेना है मिनिमम। मतलब आप तीन बार भी ले सकते हो लेकिन दो बार तो लेना ही है, और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। पर मैं कोशिश तो करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी टाइम भी नहीं, टाइम नहीं होता, ये तो बहाना हो गया। पर एक्चुअली कभी कभी मैं टीवी देखने में ही बैठ जाती हूँ, भूल जाती हूँ, फिर थोड़ा लेजी भी हूँ, ये सब तो है। पर नॉर्मली मैं ऐसे ले लेती हूँ और टीवी देखती हूँ तो हो जाता है 10-15 मिनट। और कभी कभी मैं बेडरूम में भी ना बेड के साइड में स्टूल रख के ऐसे करके गेम खेलते खेलते भी देख लेती हूँ। चलो 10 मिनट अभी ऐसे ही बैठी रहूँ। झिनुक झिनुक ओ अमर
अमर झिनक बुरी, ओ अमर झिनक बुरी। अच्छा देखिए, मैं फिजियोथेरेपी करके आई, फिर चाय पिए, फिर आइस पैक लगाई, फिर अभी मैंने एक्सरसाइज किया, वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि फिर किसी दिन रिकॉर्डिंग मतलब एक्सरसाइज दिखाऊंगी। अभी फिर डिनर की टाइम हो गया, सो डिनर देना है क्योंकि घर का काम तो खत्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, सब कुछ लेके ही चलना है। एंड आइस पैक दिया ना, थोड़ा ठीक लगता है। फिर जब एक्सरसाइज करती हूँ ना, फिर टाइम 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 शुरू हो जाता है। फिर भी आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। पर यू नो, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये जो मैं अभी कर रही हूँ, मतलब आप लोगों से इतना बातें कर रही हूँ, और फिर मुझे अभी वो एडिटिंग भी करना है, फिर कल आप लोग देखोगे, और फिर मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है ना आप सबसे, फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, मतलब आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। जो भी प्रॉब्लम है उसको लेके तो चलना ही है, सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा भी होना है ना, तब तो पता चलेगा। देखो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा तो पता चलेगा स्मूथ लाइफ क्या होता है, अगर पूरा स्मूथ है तो फिर उसका वैल्यू पता नहीं चलता है, ये तो है ही। पर आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा, जो भी होगा मैं अपडेट तो देती रहूँगी। एंड चलो, क्योंकि अभी डिनर विनर के बाद फिर एडिटिंग करना है, तो करते करते ना काफ़ी रात हो जाता है। मतलब अभी तो नाउ आई एम यूज्ड टू, मैं आजकल बहुत लेट सोती भी हूँ। एनीवे, चलो बहुत जल्द फिर मिलूंगी। सब लोग बहुत 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 अच्छा रहिए। सो माई चैनल शेक्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कॉमेंट तो जरूर करना, आप लोग के कॉमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द फिर मिलूंगी, बाय।